हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज इस वीडियो में अभी हम देखेंगे कि आप आर्मनी क्विक ऐप का वर्ज़न कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली वैसे तो हमारी तरफ से कम्युनिकेशन भेजी जाती है मेल, SMS वगैरह, जहाँ से आप और आप अपने आर्मनी क्विक ऐप में जब ये 3 लाइन्स ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में उन पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर वर्ज़न लिखा हुआ है 1.0.2.0। तो वहाँ पे आपको 3-4 टाइम्स लगातार क्लिक करना है, उसके बाद में ये उसकी डिटेल ओपन करके दे देगा। तो जो ऐप वर्जन जो लेटेस्ट होगा, जो कि 27th February को आपको देखने को मिलेगा, वो होगा 3.0.35। अगर इससे कोई पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर हमने मेल भेजा है उसमें एक लिंक दिया है, वहाँ लिंक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे ये ब्रॉडकास्ट और मैसेज में दोनों में ग्रीन में लिखा हुआ है, तो अगर ये ग्रीन की जगह रेड हो जाता है इन दोनों में से कोई, तो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। तो आप अपना एक बार नेट ऑन ऑफ कर लें, तो उसके बाद दोबारा चेक कर लें कि ये ग्रीन हो गया है कि नहीं। इससे आपके ऐप में जो रेट वगैरह है उसमें फ्लक्चुएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये रेड रहेगा तो। एंड्रॉयड एंड आईफोन सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS की बात करें तो एंड्रॉयड OS वर्जन 9 एंड उसके अबव होना चाहिए, और आईफोन की बात करें तो आईफोन मॉडल 6 और उसके अबव, iOS वर्जन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 13 या फिर उसके अबव होना चाहिए। अगर आपके आर्मनी क्विक एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में कोई इशू है या फिर आप लेट प्राइसेस वगैरह या ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एक सेटिंग है जो आप इनेबल कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो वो सेटिंग इनेबल बैकग्राउंड एक्टिविटी आपको अलाउ करनी होगी। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार इस वीडियो में दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, वहां पे आपको अपने ऐप्स में ऐप मैनेजमेंट या ऐसा कुछ एप्लीकेशन करके आपके फ़ोन में दे रखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और ऐप लिस्ट पे जाएंगे जहाँ पे सारे ऐप लिस्टेड रहते हैं जो भी फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, और वहाँ से आर्मनी क्विक ऐप फाइंड करेंगे। आर्मनी क्विक ऐप पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको बैटरी यूसेज के अंदर ये फीचर मिलेगा, अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी। तो इसको जब आप अलाउ कर देंगे, इनेबल कर देंगे, तो आपको ऐप की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आना चाहिए। और iOS में बैकग्राउंड एक्टिविटी अलाउ करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, उसके बाद स्क्रीन टाइम पर, उसके बाद कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस पर, फिर बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटीज पे अलाउ पर क्लिक होना चाहिए। और सेटिंग्स के अंदर ही आपको आर्मनी क्विक ऐप पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पर आपको इनेबल करना होगा। जैसे कि अभी ये ग्रीन दिख रहा है तो ये इनेबल्ड है। आर्मनी क्विक ऐप में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और वाइट स्क्रीन या फिर सिर्फ लोगो दिखाई देता है, तो उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। इसके मोस्टली 2 रीजंस हो सकते हैं कि एक तो आपका जो गूगल क्रोम ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, वो अपडेटेड नहीं है, और दूसरा एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू अपडेटेड नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना गूगल क्रोम अपडेट करना है और एंड्रॉयड सिस्टम वेब भी अपडेट करना है। तो गूगल क्रोम को अपडेट करने के लिए आप या तो सीधा प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ क्रोम टाइप करके वहाँ से गूगल क्रोम का ऐप फाइंड आउट करना है और उसको एक बार देख लेना है कि आपका अपडेटेड है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो अपडेट पर क्लिक करके आप उसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू का बीटा वर्ज़न आपको अपडेट करना है। तो एक तो नॉर्मल होगा, लेकिन आपको बीटा, जहाँ पे BETA बीटा वर्जन होगा, वो वाला अपडेट करना है। उसको सर्च करके आपको उसे अपडेट करना होगा। तो जैसे अगर आपका पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि आपका जो वेब व्यू बीटा वर्जन है वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आपको चेंज प्रोवाइडर पर क्लिक करना होगा। जब चेंज प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दोनों दिखा देगा, एक तो नॉर्मल एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू और एक एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू बीटा। तो आपको बीटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और बीटा सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से आर्मनी क्विक ऐप को ओपन करने का कोशिश करें, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको नहीं आएगी। थैंक यू।